दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेफोन का मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, ये चाइनीज कंपनी का मोबाइल है। और इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी फाइल इस मोबाइल का अगर हम खोलेंगे या ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसमें इस तरह का एरर आता है। चाहे हम प्ले स्टोर खोलें, चाहे हम यूट्यूब खोलें, किसी भी एप्लीकेशन को हम अगर ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का ये जो है इसमें एरर में से आता है। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब खोल कर दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब हम खोल रहे हैं, यूट्यूब को हम ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद ये यूट्यूब जो है ओपन नहीं होगा और यहाँ पे जो है ये मोबाइल हैंग हो जाता है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एप्लीकेशन को या सेटिंग में जाएंगे या किसी भी ऑप्शन को अगर हम ओपन करेंगे तो ये मोबाइल हैंग कर जाएगा, क्योंकि ये जो गूगल प्ले सर्विस का जो इसमें एरर है, ठीक है। तो गूगल प्ले सर्विस का जो एरर है, चलिए मैं आपको दिखाते हैं, आप पहले पूरी तरह से देख लें इस वीडियो को। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल हैंग कर चुका था, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर ये एरर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह का एरर बार बार यहाँ पे आ रहा है इस मोबाइल में, और ऐसे हालत में हमें क्या होता है कि हमें मोबाइल को फ्लैश करना होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे आपको फ्लैश नहीं करना है, बिना फ्लैश के ही आप अपने हाथों से इस मोबाइल को आप रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान के चलिए कि सैमसंग का मोबाइल है या किसी भी कंपनी का मोबाइल है, लावा का, एनटेक्स का, कार्बन का, किसी भी कंपनी का मोबाइल है, अगर इस तरह का एरर है तो आप उसे अपने हाथों से ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, इस तरह का एरर आपको रिपेयर करने के लिए, आपको अपने एसडी कार्ड में, अपने मेमोरी कार्ड में आपको एक सॉफ्टवेयर डालनी होगी, और इस सॉफ्टवेयर को चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये है गूगल प्ले सर्विस, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो गूगल से जो है दूसरे एंड्रॉइड फोन से भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले सर्विस, ठीक है। और इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे एसडी कार्ड में डाल देंगे, और एसडी कार्ड में डालने के बाद ये एसडी कार्ड आपको सिंपली आपको इस मोबाइल में लगाना है जिस मोबाइल में ये एरर है। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं ये लेफोन का मोबाइल है, और इसकी फ्लैश फाइल जो है नेट पे जो है नहीं मिल रही हमें, और जिस कारण से हमें ये करना पड़ा है। तो इस एसडी कार्ड में हमने ये गूगल प्ले सर्विस सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है, और इस मोबाइल को अब हम यहाँ पे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है इसे रिपेयर। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइल में जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद हमें वहाँ पे फाइल मैनेजर, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फाइल पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हमने एसडी कार्ड में जो सॉफ्टवेयर डाल दी है गूगल प्ले सर्विस, तो हमें यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, और ऐप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर हमारे मेमोरी में जहाँ पे भी होगा वो यहाँ पर जो है यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे शो कर रहा है गूगल प्ले सर्विस। तो इस सॉफ्टवेयर को हमें करना क्या है कि इस सॉफ्टवेयर को हमें जो है इस मोबाइल के अंदर में इंस्टॉल करना है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को हम पहले इस मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डन का ऑप्शन है, तो हमें डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमें यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ये प्ले स्टोर पहले नहीं खुल रहा था, अभी ये प्ले स्टोर खुल चुका है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं देंगे, हम यहाँ पे इसे बैक करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ और एक और बात आपको बता दूँ यहाँ पे कि अगर मान के चलिए आपके मोबाइल में पहले से ईमेल आईडी दिया हुआ होगा तो आप सेटिंग में जा करके वहाँ पे अकाउंट में जा करके आप पहले वाले ईमेल आईडी को रिमूव कर देंगे, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले जो यूट्यूब नहीं खुल रहा था, अब यहाँ पे यूट्यूब खुल रहा है और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।